नागिन हूं मैं। अब तक नागिन सिर्फ अपने प्यार का इंतकाम लेने आती थी, पर इस बार इंतकाम अपने देश के लिए है। दुश्मन देश ने हमारे देश में एक महामारी छोड़ दी है, वो तेजी से फैल रही है। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है, तो महामारी के इस जहर को काटने के लिए आ रही हूं मैं। हर उस असुर से बदला लेने जो इस देश के दुश्मन है, गद्दार है। मेरा नाम है ऋषभ गुजराल, डिफेंस आर्मी ऑफिसर। वैसे मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अपने देश से उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। इसलिए जब बात देश पे आ जाती है तो मैं जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। जब बात किसी बेकसूर की जान पे आ जाए ना, तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसकी जान बचा ही लेता हूं। मेरे लिए मेरी ड्यूटी किसी भी रिश्ते से ज्यादा बढ़कर है। मेरा नाम है ऋषभ गुजराल। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। आई होप आप सब घर पर हैं, सुरक्षित हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। On behalf of Colors, I wish you and your loved ones the very best of health. मैं हूं पवलीन गुजराल, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट। तो चलिए, टू मेजर पावर हाउसेज ऑफ इंडियन टेलीविजन, कलर्स एंड बालाजी टेलीफिल्म, कंटिन्यू टू पुश बाउंड्रीज एंड सेट न्यू स्टैंडर्ड्स विद एवरी शो। टुगेदर दे हैव एंटरटेन्ड अस विद सम ऑफ द बेस्ट लव स्टोरीज, ड्रामा शोज, थ्रिलर सीरीज एंड फैंटेसी पिक्चर्स। दिस टाइम येट अगेन they have something in store for the viewers that's surely going to strike the right chord. Par aaj ek nahi do dhamake honge as we are all set to launch the 6th edition of the most loved franchise, Nagin, and a brand new fiction drama, Pariniti. To chaliye सबसे पहले ले चलते हैं आपको नागिन के इस नए सफर पर। तकरीबन 7 साल पहले शुरुआत हुई थी एक ऐसे फैंटेसी फिक्शन शो की जिसने टेलीविजन एंटरटेनमेंट की परिभाषा ही बदल के रख दी थी। इस शो ने पॉपुलैरिटी और सफलता की नई ऊंचाइयां छू ली। इन्हीं ऊंचाइयों का सिलसिला कायम रखते हुए लौट आए हैं कलर्स और कंटेंट एंड टीवी की ज़ारीना, नन अदर देन एकता कपूर, लेकर हमारी फेवरेट कैरेक्टर नागिन। और इस बार नागिन की लड़ाई और नागिन के दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। दुश्मन जो दिखते नहीं पर वार पे वार कर रहा है, जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं, देश तो देश, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई। दुश्मन देश ने हमारे देश पे हमला कर दिया है और हथियार है एक ऐसी महामारी जो छूने से तेजी से फैल रही है। ये एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं, पर कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है। महामारी के इस जहर को काटने के लिए आ रही है नई दुनिया की नई नागिन। पर ये नागिन कोई इच्छादारी नागिन नहीं है और ना ही कोई नागरानी है। ये है शेष नाग से उभर के आई शेष नागिन। नागिन हर बार अपने प्यार का इंतकाम लेती है, पर इस बार शेष नागिन आ रही है देश का इंतकाम लेने, और उसके इंतकाम की इस लड़ाई में उसका साथ दे रहे हैं एक डिफेंस ऑफिसर। पर उसका है कोई ऐसा राज जिसके लिए शेष नागिन ने कसम खाई है कि वो उससे भी इंतकाम लेगी। क्या है वो राज? क्या है देश के खिलाफ वो साजिशें? कौन कौन है देश के वो दुश्मन जिन्हें उनके अंत तक पहुंचाने के लिए आ रही है नागिन? नागिन 6 का ये सीजन इतना धमाकेदार होगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नाउ I would like to introduce the very talented cast of Nagin 6 on screen. Big Boss 15 winner and the fabulous Tejaswi Prakash and the handsome Simba Nagpal. Nagin hoon main. Ab tak Nagin sirf apne pyar ka intikam lene aati thi.
पर इस बार इंतकाम अपने देश के लिए है। दुश्मन देश ने हमारे देश में एक महामारी छोड़ दी है, वो तेजी से फैल रही है। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है, तो महामारी के इस जहर को काटने के लिए आ रही हूँ मैं। हर उस असुर से बदला लेने जो इस देश के दुश्मन है, गद्दार है। मेरा नाम है ऋषभ गुजराल, डिफेंस आर्मी ऑफिसर। वैसे मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अपने देश से उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। इसलिए जब बात देश पे आ जाती है तो मैं जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। जब बात किसी बेकसूर की जान पे आ जाए ना, तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसकी जान बचा ही लेता हूं। मेरे लिए मेरी ड्यूटी किसी भी रिश्ते से ज्यादा बढ़कर है। मेरा नाम है ऋषभ गुजराल। तो ये थी इनके किरदारों की एक छोटी सी झलक। तो आइए अब इन किरदारों से करते हैं और बातचीत और पूछते हैं थोड़े सवाल। मे आई प्लीज कॉल बैक द कास्ट ऑफ नागिन 6 फॉर अ क्विक राउंड ऑफ Q&A एंड वी ऑल्सो हैव अ सरप्राइज एडिशन। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू फीलिंग? We're feeling amazing. How are you doing? Oh, we are super excited. और मेरे साथ हमारी जो audience है और जो हमारी media है वो भी super excited है. इसलिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आप तीनों को पूछने के लिए. Are you ready? Yes. Ready. Okay. Here we go. तो पहला सवाल है तेजस्वी आपके लिए, पूछती है प्रियंका from दैनिक जागरण। वो कह रही है कि नागिन के लिए हाँ करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? और आपको बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस नागिन के किरदार में पसंद है तेजस्वी? मैं कैसे नागिन के लिए मना करती? इट्स रियली द वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम बालाजी। मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ मैसिव फैन ऑफ एकता मैम्स वर्क एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर। मुझे कभी नहीं लगा था कि उनके साथ काम करने का मौका नागिन में ही मिल जाएगा। I think I'm thrilled. There's absolutely no reason why I could have ever said no. It's an amazing show to be part of. Colors ke saath aur Balaji ke saath, what better combination, you know? So, and I also wanted to get out of my comfort zone. Ye thoda different hai from the things that I've done already. So, isi wajah se I think I really just accepted the show. मुझे एक बार पूछा था और I was like, yeah, of course, like. Absolutely, आप ना क्यों करेंगे? आपने बहुत ही correct decision लिया, हाँ करके। Thank you. And also the next question was Bollywood में which actress I would love to see as Nagin? I think I've so far liked Moni the best, जो हमारी पहली Nagin थी, and she's also in Bollywood, so I'll just take Moni's name only. Nice answer, very well said. Yeah. Good. तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं हम सिम्बा आपसे, पूछती हैं हरमीशा from टेली चक्कर। She asks that how has it been shooting with Tejasvi and has your equation changed? Definitely, it's been wonderful and I feel really glad that I'm working with her. She is an amazing person and a really hardworking and passionate person. एंड जब से हमने शूटिंग स्टार्ट किया है आई हैव सीन इट कि वो कितना ज्यादा एफर्ट देती है एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट सच अ नाइस को-स्टार टू वर्क विद जिनमें इतना ज्यादा पैशन है, टैलेंट है एंड आई एम श्योर कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। फैबुलस तेजस्वी के एक्सप्रेशंस नोटवर्दी हैं यहां पे। ऑलवेज क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे सिखाया था वैसे ही बोला, करेक्ट सिम्बा है ना, ऐसे ही बोलना है ना, करेक्ट। इतना प्रैक्टिस किया आपने। थैंक यू सो मच सिम्बा। अगला सवाल है महक चहल, हेलो वेलकम। What a surprise, what a fantastic surprise. Welcome to Nagin 6. Are you ready for your question? Thank you so much. थैंक यू। तो अगला आपके लिए सवाल है महक,
जो पूछती है किरण फ्रॉम दैनिक भास्कर, शी आस्क्स कि कवच के बाद सीधे नागिन से आप फिक्शन शोज में वापसी कर रही हैं, इज इट अ कोइंसिडेंस और अ थॉटफुल डिसीजन? I know it's a little bit cliche when I say that. I actually don't plan anything in my life. So Kavach happened, and after that, I had an injury in my knee, and the pandemic came, and I shifted to Goa. So 2 years I've been there. और उसके बाद जब मुझे साहब जाहिर है बालाजी से जब फोन आता है तो आप पूछते हो नागिन नागिन नागिन, क्योंकि एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड. इट्स अ वेरी बिग शो, इज एन अमेजिंग बिग ब्रांड. एंड देन ऑब्वियसली दिस टाइम द गर्ल और वन ऑफ द बोथ ऑफ द नागिन्स, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर बोथ एज वी नो द स्टोरी आल्सो नाउ. सो आई थिंक द कास्ट, द वे एकता जी आल्सो कास्ट फॉर दिस थिंग इज लाइक यू नो द वे आई लुक, आई एम टॉल गर्ल, आई एम ब्रॉड. And it's a little bit of a warrior woman kind of a character also. So I think half the job was done there. And I always, as you know, being a kid, I think the guys always, dream of being Spider-Man and Superman. So jab hume ladkiyon ko pucha jata hai to be Wonder Woman kind of a role, a character like that, I just jumped on it immediately. So it's a little bit of plan and a little bit of good luck and being at the right place at the right time. वेरी इंपॉर्टेंट बींग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एंड जैसे आपने कहा हमें सबको सुपर पावर्स चाहिए, तो व्हेन वी आर गेटिंग टू प्ले समबडी लाइक दैट देन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. थैंक यू. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लाइन ऑफ क्वेश्चंस. अगला सवाल है तेजस्वी फिर से आपके लिए, पूछती है सताक्षी फ्रॉम बॉलीवुड लाइफ, ये सीजन नागिन का बाकी पिछले सीजन से कैसे डिफरेंट है? ये सीजन बहुत डिफरेंट है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी ये नागिन, जैसे हम उन्हें कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ नागिन है, हमेशा नागिन अपने प्यार को जीतने, अपने प्यार का बदला लेने आती है. पर इस बार नागिन एक बहुत बड़े मोटिव से वापस आ रही हैं, और वो अपने देश के लिए वापस आ रही है. शी इज गॉट अ बिगर मोटिव दिस टाइम. ऑल्सो ये नागिन सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सारी नागिन से ज़्यादा पावरफुल है. उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो पिछली सारी नागिन कर सकती थी, पर और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो पावर्स है जो वो उसमें हैं जो बाकी की नागिन में नहीं थी. So she's like a combination and still like a much powerful Nagin this time. Wow. और अदरवाइज में मुझे मुझे रिलेटेड तो मैं यही बोलूंगी कि पिछली सारी नागिन बहुत ऐसे मतलब हॉट थी, ये पहली नागिन है जो ऐसे गोलू मोलू है. तो I don't beg to differ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी काफी हॉट हैं और वो हमने देख लिया है. So we beg to differ, we are all looking forward. I hope they like me. Absolutely, we are all rooting for you. आपकी कास्ट आपकी इतनी तारीफें कर रही है, so it's the right way to go. Thank you, Nader. अगला सवाल है सिम्बा आपके लिए, पूछ रही है सना फरजीन from the Indian Express. वो कहती है कि as a young actor who wants to achieve more, आप हमेशा ये female lead projects क्यों लेते हैं? पहले शक्ति और अब नागिन. Is it a conscious decision? एक actor's perspective से आप क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले शक्ति तो ट्रांसजेंडर के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, वो फीमेल के ऊपर तो बेस्ड ही नहीं था. एंड द सेकंड थिंग आईड लाइक टू से इज आई ऑलवेज गो कि मेरा कैरेक्टर क्या है. एक्चुअली आई नेवर गो कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, मुझे कितने पैसे दे रहे हैं, कितना एक्सपोजर है, कौन सा चैनल है. मैं कभी भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट में दम है, अगर मेरे कैरेक्टर में दम है, इफ आई एम कन्विंस्ड इनफ to play that character, then I always go for it. And ऐसा ही हुआ था शक्ति के time पे भी, same हुआ है नागिन के time पे भी. So I'm playing an army officer, and मेरे को हमेशा से ये army officer play करने का बहुत ज़्यादा दिल था, because I have huge respect for army people in my heart. And जो जिस तरीके से वो अपनी जान निछावर कर देते हैं देश पे and everything, so I wanted to be that patriotic guy. जो कि मेरे को इस कैरेक्टर के थ्रू दिखाने का मौका मिलेगा. सो इट्स ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर एंड इट्स आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द कैरेक्टर दैट आई हैव सेड यस. एंड ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी टू वर्क विद एकता मैम आल्सो एट द सेम टाइम, बट द मेन यस वाज बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर होंगे एंड यू विल सी दैट व्हाई.
Well, that's a lovely way to look at it. And वो एक अच्छे एक्टर की पहचान है जहाँ आप एक कैरेक्टर को पहले देखते हैं. Very well said, Simba. Thank you. आखिरी सवाल है महक आपके लिए. पूछती है चेतना फ्रॉम जूम. महक, आप पहले से ही खतरों से खेल के आए हैं, अब आपने नागिन के किरदार से दुनिया को खतरों से कैसे बचाने का सोचा है? Tell us about your character and what preparations have you done for it. I'm also excited for this answer. You, oh, that's a lot of pressure. If we go back to exactly जो आप बात कर रहे थे खतरों की, तो preparation से मैं पहले बात करूँगी. Preparation तो खतरों के खिलाड़ी में बहुत साफ मिले थे मुझे वहाँ, और हमारी अच्छी conversations हुई है मेरे और साफ, अलग अलग साफों की. So हम लोग की अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है कि बॉडी मूवमेंट कैसे होता है and all that joke. No, the preparation is, आधा प्रिपरेशन तो वही हो जाता है जब एकदम मैम ने पहले यू नो स्टोरी सेट की होती है और वो कैरेक्टर सेट करते हैं, और उसके बाद जो हमारे क्रिएटिव और डायरेक्टर्स होते हैं, they kind of they lay out the whole plan for us. We basically come on sets and we, you know, we know our characters from pehle se. Ekta ma'am always explains that to us. And also there's been so many Nagins, you can see the, you know, the other Nagins, and you've seen also a little bit what has been their character, the way you move or the way you act when it comes to body language especially. And what was the first other part of the question? I forgot. Ki ek to aapne kya preparations ki thi, and नहीं आप कैसे बचाएंगी इस बार दुनिया को? Because the it's complete. I can't tell you everything. अभी अब आपको सभी अभी तो नहीं. We all the stories. They have so many twists. So even I don't know. But obviously we will try to do our best. And I have Tejasvi there, which is also a beautiful Nagin, a very strong Nagin. That's what उन्होंने खुद बोला है. तो हम दोनों मिलके इस दुनिया को बचाएंगे हमारे देश द्रोहियों से. एंड देन ऑब्वियसली सिम्बा इज आल्सो देयर, बट आई विल नॉट टेल यू इफ ही इज हेल्पिंग अस, इफ ही इज नॉट हेल्पिंग अस, और डोंट टेल मी. ओह रियली, यू हैव टू सी द शो. यू हैव टू सी द शो. हम आपको नहीं बताएंगे हम कैसे करेंगे. ओह, देयर इज अ सरप्राइज इन द शो आल्सो, जस्ट लाइक यू आर द सरप्राइज इन द शो. देयर इज ऑलवेज अ सरप्राइज फॉर यू. ऑलवेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्विस्ट. So the story will take you here, there, and it's very, very exciting. Just wait and see. Amazing. We are so looking forward. Thank you so much, Tejasvi, Simba and Mehak, for this wonderful conversation. और ज़्यादा उत्सुक हो चुके हैं लोग कि क्या होने वाला है नागिन 6 में, क्योंकि आप लोग तो नहीं बता रहे हैं. So we will watch the show. Right. Thank you so much. It was lovely speaking. Thank you for having us.